कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इंदौर में जान से मारने की धमकी मिली है। शहर के जूनी इंदौर इलाके में एक मिठाई की दुकान पर अज्ञात लेटर पहुंचा है, जिसमें राहुल गांधी की खालसा स्टेडियम में होने वाली सभा में हमला करने की बात लिखी है। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे ने मामले की पुष्टि की है। उनके मुताबिक अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है। इस पत्र के पहुंचने के बाद से इंदौर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लेटर में कमलनाथ को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और उसके पहले ये पत्र कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में यात्रा की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। थाना जूनी क्षेत्र में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर कल शाम को एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट की है और उस पर जो है थाना जूनी में एक मुकदमा कायम हुआ है। पुलिस जो है उस पर बहुत गंभीरता से और बहुत संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई कर रही है। पत्र की सत्यता की भी तस्दीक और जांच की जा रही है। इसके अलावा जो है उससे रिलेटेड जो विवेचनाएँ हैं उसमें हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। बाकी जो आगे तथ्य मिलेंगे उस पर आप फिर भविष्य में अवगत कराया जाएगा। पत्र जो है पोस्ट से प्राप्त हुआ था, उस दुकान पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उसमें अभी उपयुक्त समय नहीं है कि बहुत विस्तार से उस पर चर्चा की जाए, क्योंकि वो संवेदनशील और गंभीर उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। इसलिए उसके विवेचना के बाद से जो तथ्य आएंगे आपको बाद में अवगत कराया जाएगा। सर, ग्राउंड में रतलाम विधायक चेतन कश्यप का नाम उसमें लिखा हुआ है, तो क्या उनसे भी बात हुई सर? मैं पहले बता चुका हूँ कि उसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, उसको बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, उसकी तस्दीक कर रहे हैं। जैसे ही सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी आपको बहुत विस्तार से बताया जाएगा। नहीं, कुरियर बॉय नहीं, पोस्ट ऑफिस से आया है, वो पोस्टल उससे है, अपना डाकखाने की मोहर लगी हुई है, तो उस संबंध में डाकखाने के लोगों से बातचीत हो रही, पूछताछ हो रही है।